इस टीजर का स्टार्टिंग डायलॉग ही बहुत लोगों को हाइप कर सकता है और बहुत लोगों की जला सकता है। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो फाइनली गदर 2 का एक ऑफिशियल टीजर जो है वो आज रिलीज हो चुका है, जिसको जाके आप जी स्टूडियोज के यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हो, जिसके लिए फैंस लिटरली इसकी अनाउंसमेंट के बाद से वेट कर रहे थे। तो ये मुझे कैसा लगा और क्या ये फैंस को एक वो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग देता है, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखें। तो इस वीडियो को और देर ना करते हुए चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखो टीजर की शुरुआत ही एकदम जबरदस्त डायलॉग्स होती है, आपको सुनने को मिलता है कि दामाद है पाकिस्तान का, नारियल दो अगर तीखा लगा तो अब की बार दहेज में लाहौर ले जाएगा। ओ माय गॉड, मतलब जिस तरीके से वो डायलॉग ऑडियंस को हाइप करने वाला है, डेफिनेटली मैं पर्सनली मैं रेडी हूँ इस मूवी को देखने के लिए। मैं तो इस मूवी को थिएटर में देखने की एस तारा सिंह एक प्रॉपर लुक देखने को मिलती है, जो कि 1971 के टाइम पीरियड में, इंडियन पाकिस्तान वॉर के टाइम पीरियड में लाहौर के अंदर एंटर करते हैं। वो एंटर क्यों कर रहे हैं, उनके पीछे का क्या मोटिव है, उसके बारे में कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया गया, जिसको शायद उन लोगों ने मूवी के लिए या फिर एक प्रॉपर ट्रेलर के लिए बचा लिया। इसके साथ में आपको तारा सिंह जो है थोड़े बहुत सेकंड्स के लिए बट एक्शन में दिख रहे हैं, अब की बात बोलते हैं उसको, को इस टीजर को देख के पूरी तरीके से लगती है। और सनी पाजी को एंडिंग में इमोशनल देख के और बीच में गुस्से वाले अवतार को देख के डेफिनेटली आपको नॉस्टैल्जिया फील होगा ना, यार अपनी तो बचपन की मेमोरी है, मतलब इतनी बार मूवी देखी गिनती करते करते थक गए हैं। मतलब उस तरीके के मोमेंट्स को दोबारा जीना और साथ में जिस तरीके से आपको एंडिंग में गाना सुनने को मिलता है, एक बार तो ये बनता है। ओ घर आजा परदेसी। तो फाइनली इस टीजर के अंदर स्टोरी के बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया गया, सनी पाजी को दोबारा आया था तारा सिंह देखने में मजा आया। और जिस तरीके से ये मूवी जो है इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे को टच करने वाली है, शायद गदर मचाने वाली है, उसके लिए आपको और मेरे को 11 अगस्त तक का वेट करना पड़ेगा, जबको ये मूवी सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। और अभी ये सिर्फ एक टीजर है, अभी इसका ट्रेलर आना बाकी है। इसका टीजर मेरे को पर्सनली पसंद आया, जो कि डेफिनेटली ऑडियंस को इस मूवी के लिए हाइप करता है। तो आपको ये टीजर कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन मेंशन करना मत भूलना। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और आपको ये वीडियो पसंद आई, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दो और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा नए वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा अलाइव 33।